राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के तत्वाधान में 72वें संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन अम्बेडकर चौक पर किया गया। इस मौके पर महासभा के सदस्यों द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद भारती ने कहा कि 26 नवम्बर को 72वें संविधान दिवस को मनाते हुए सभी लोगों ने भारत के संविधान के उद्देश्यों का शपथ लिया है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय पर आधारित है और हम संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद भारती ने कहा, आज 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान प्रस्तावित हुआ था, बन करके तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान हमारे महापुरुषों के साथ और तमाम संविधान निर्माती सदस्यों के साथ मिल करके सौंपा गया था। इस देश में हमको असली रूप से पूर्णतः आज़ादी मिली, हम आज़ाद हुए।